हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है इस छोटे से वीडियो में। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि अपने मोबाइल से आधार को कैसे डाउनलोड किया जाता है, ओरिजिनल आधार कैसे डाउनलोड करें, ये हम आप लोगों को बताएंगे। बताने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं या डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो देख सकें, और वीडियो को अन्यथा कहीं पर भी स्किप ना करें, अन्यथा आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। चलिए चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में और वहां पे टाइप करते हैं UIDAI और सर्च कर देते हैं। सर्च करने के बाद में गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और अपने भाषा को सेलेक्ट करते हैं। हिंदी तो आप हिंदी रखना चाहें तो हिंदी रख सकते हैं, अन्यथा इंग्लिश, हम तो इंग्लिश चूज करेंगे। और इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाएंगे, जो लिखा हुआ है ये डाउनलोड आधार, इसको सेलेक्ट करेंगे। इसको ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और ये लिखा हुआ है डाउनलोड आधार, तो हमें इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। और यहाँ पे एकदम सही से कैप्चर फिल करना है, अपना डालना है। और ये सेंड OTP इस पे भेज देना है। यहाँ पर OTP डाल देना है और वेरीफाई डाउनलोड इसके ऊपर टच कर देना है। अब दोस्तों हमारा आधार कार्ड डाउनलोड हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं हमारा आधार कार्ड डाउनलोड हो गया है और ये बता रहा है कि इसे अनीश कुमार नाम है मेरा और डेट ऑफ बर्थ 19। इसमें पहले अक्षर जो है नाम के चार वो कैपिटल लेटर में बड़े में यानी बढ़ेंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ जो वर्ष है वो पड़ेगा, तो तभी आधार ओपन होगा। तो हमें दोस्तों देखो इसको ओपन करना, ओपन करके दिखाना है आप लोगों को। डाउनलोड में जाएंगे और डाउनलोड में जाते हैं, डाउनलोड में ये आधार हमारा डाउनलोड हुआ है। इसको जस्ट नाउ करेंगे, जस्ट वन। अब ये पासवर्ड यहाँ पे मांगेगा, जो हम अभी बताए थे आपको वही डालना है पासवर्ड। और ओपन कर देना है। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि आधार कार्ड हमारा डाउनलोड हो चुका है। चलिए दोस्तों चलते हैं, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। चलते चलते अपना एक यही छोटा सा निवेदन है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।